सारे ऐसे ही डिप्रेशन में जाती रहे, तो कुछ रिएक्शन कुछ ना ले ले कोई, कि ऊपर से खाना उना नहीं ठीक मिल रहा है, तो हो सकता है कि बीमार सब पड़ते जा रही है, पड़ ही रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ रही, किसी को फीवर हो रहा है, किसी को चक्कर आके गिरते रहती है, किसी को हर मीन्स हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुका है। और सबसे बड़ा बात, हम लोग को खाना सही से अभी नहीं मिल रहा है। जैसे पहले हम लोग को बाहर थोड़ा जाने मिलता था, तो हम लोग एक्स्ट्रा सामान कुछ लेते थे, तो उसकी वजह से थोड़ा ठीक रहता था, बट अभी हम लोग को बस हॉस्टल में रहना मिल रहा है और बस हॉस्टल का खाना मिलता है, जो कि एकदम अच्छा नहीं है हम लोग के हेल्थ के लिए। हम लोग को भी मतलब जो राइट है हम लोग को मिले, हम लोग हॉस्टल में बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। बच्चे लोग का तबीयत खराब हो जाता है, हम लोग को वीकनेस लगता है, हम लोग ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं हो पाते हैं और ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है। कभी कभी मैम लोग हम लोग को बोलती है ये सब तुम लोग ठीक हो जाओगे, रेस्ट लो तुम लोग ठीक हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा ना। हम लोग को इम्यूनिटी पावर भी हम लोग को वीक हो रहा है अभी, और हम लोग बस मेस का ही खाना खाते हैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाते हैं, और हम लोग को बाहर अलाव भी नहीं करते हैं कि बाहर जाएंगे हम लोग। मेरा कहना ये है कि बस हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट के तौर पर यहाँ पे BSc नर्सिंग या फिर MBBS का हो या फिर पोस्ट बेसिक, बहुत सारे बहुत स्टूडेंट है, तो हर किसी को छुट्टी मिल चुका है, पर हम लोग को बोला जा रहा है कि तुम लोग का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी तुम लोग को करना है। तो अगर ऐसा बोला जाए तो सिर्फ हम लोग गवर्नमेंट से ये कोर्स नहीं कर रहे, प्राइवेट से भी ये कोर्स हो रहा है, तो प्राइवेट में अभी तो छुट्टी मिला, तो उन लोगों का कोर्स कैसे कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग का कोर्स कैसे नहीं कंप्लीट होगा। हम लोग का कहना बस यही है कि अगर उन लोग को छुट्टी मिल रहा है 4 महीना का, तो हम लोग को भी